good morning students welcome back to our next class of class 6 english chapter 9th poem what if now today we are going to read a wonderful very connective poem which is titled as what if what if ka kya matlab hai bitta? what if ka matlab hai aisa hota to yadi aisa hota toh all right i shweta somra i'm your english teacher and today we are going to read a wonderful and interesting poem which is what if so before starting the detailed explanation of the poem we will start with the introduction of the poet but let me tell you have you ever experienced in your life or whenever you are asleep or awake that you have something in your mind

अगर मैं क्लास में कॉपी भूल गया तो अगर मैं एग्जाम्स के टाइम पे पेन ले जाना भूल गया तो या मेरा ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना भूल गया तो या फिर ऐसा कभी होता है आपको ऐसा लगता है अगर मैं एग्जाम्स में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट ना कर पाया तो अगर मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स या अच्छे ग्रेड्स ना मिले तो या अगर मेरे घर वो बेकार वाले आंटी अंकल आ गए तो अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो ऐसा कभी होता है या अगर मुझे कोई पीछे से किडनैप करके ले जाए तुरंत तो क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं या नहीं आते भाई मैं जब छोटी थी मेरे माइंड में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे फुल ऑफ इफ्स ठीक है उसमें ये किंतु परंतु बहुत सारे होते थे अगर मम्मा ने डांटा तो अगर मैं जूस पीते टाइम पकड़ा गया तो अगर मैं किसी को पीकते टाइम पकड़ा गया तो अगर मैं फूल तोड़ते टाइम किस, किसी ने मुझे पकड़ लिया तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे बदमाशी करते टाइम देख लिया तो या फिर स्कूल के माली ने मुझे गार्डन में चलते हुए देख लिया तो या मैंगोस तोड़ते हुए मुझे किसी गार्डन के माली ने पकड़ लिया तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना या फिर आप बस में आप ट्रैवल करो और आपको ऐसे लगे कि अगर मेरी गर्दन और हाथ बाहर हैं और आगे से कोई पोल उसके टच होकर चला जाए तो वॉट विल हैपन या फिर मेरे बेड के नीचे जहां पे मैं सो रहा हूं उसके नीचे अगर कोई स्नेक आ गया तो अगर मैं कहीं जा रहा हूं और अचानक से मेरे सामने एक लाइन आ गया तो इतने सारे तो 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 वॉट इफ ठीक है अगर ऐसा हो गया तो अगर ऐसा हो जाता तो अगर ऐसा हो जाता तो ये सारे क्वेश्चन हमारे जो पोएट है, चाइल्ड पोएट है, उनके माइंड में हर रात को सोते टाइम घुस जाते हैं ठीक है घुस कैसे जाते हैं बेटा वो ऐसा बता रहा है पोएम में कि वो जो इफ्स है जो इफ वाले क्वेश्चन हैं वो उसके माइंड में क्रॉल करके क्रॉल मीन्स रेंग रेंग के छोटा बच्चा क्रॉल करता है ना बेटा बिल्कुल वैसे ही जो वो इफ्स वाले क्वेश्चन हैं वो उसके माइंड में क्रॉल करके घुस जाते हैं ठीक है और पूरी रात धमा चौकड़ी मचती है पार्टी शार्टी होती है और उन क्वेश्चंस को उसके दिमाग में वाटिवस वाले क्वेश्चंस उसके दिमाग में खूब डांस मचाते हैं ठीक है इस बात की हम बात करेंगे टिप्स की जो इस बच्चे ने भी अपनी जीवन में सही है और आप लोग भी सहते हो तो इट इज़ वेरी ईजी टू कनेक्ट विद द पोएम क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ही है फॉर श्योर sure. क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत सारे वॉटिव्स रहा करते थे अभी भी कभी कभी होते हैं है ना फ्रेंकली स्पीकिंग सच में अभी भी कभी कभी वाटिवस होते हैं आई एम स्केड ऑफ काउ फॉर एग्जाम्पल ओके आई एम स्केड ऑफ काउ एंड आई विल थिंक सिटिंग अगर मेरे सामने गाय आ जाए तो या अगर मुझे गाय ने पीछे से मार दिया तो एनी थिंग लाइक दैट ओके हम बैठ के बाहर खाना खा रहे हैं और अगर हमारा खाना कोई मंकी स्नैच करके ले गया तो अगर मेरे बैग में जो टॉफीज रखी हैं उसमें चीटियां आ गई तो सो मेनी वॉट इव ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोअम वी विल डू द लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ आर पोएट सो कम अलॉन्ग वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आर पोएट शेल्डन एलन सिल्वरस्टीन स्टीन वॉज एन अमेरिकन Writer, poet, cartoonist, songwriter, and playwright. Okay, see, he was multi talented. Sheldon Allen Silverstein is the name of this poet who has written the poem What If. Or and this American, America, born and brought up, and he was a writer, poet. कवि थे और क्या करते थे कार्टूनिस्ट थे कार्टूनिस्ट क्या होते हैं बेटा जो कार्टून्स के लिए अपने प्लेज बनाते हैं या कार्टून्स की ड्रॉइंग्स बनाते हैं दे आर कार्टूनिस्ट जो कार्टून्स बनाते हैं वो सॉन्ग राइटर ओके ही यूज्ड टू राइट द सॉन्ग्स आल्सो गाने भी लिखते थे व्हाट एल्स प्ले राइट और वो नाटक वगैरह भी लिखा करते थे सो ही वॉज सो मच टैलेंटेड जस्ट इमेजिन सिर्फ वो एक लेखक नहीं थे वो बहुत सारी चीजों के धनी थे ही सबसे ज्यादा किसके बारे में जाने जाते थे अपने कार्टून्स के बारे में कार्टून्स तो आप सब फेमिलियर है, है ना है कि नहीं कार्टून देखते हैं ना टीवी में थोड़े छोटे थे तो आप क्या देखते थे छोटा भीम मोटू पतलू या फिर चाचा चौधरी इस तरह की चीज़ें और अब क्या देखते हो बैंटन देखते हो या कुछ और देखते हो आई डोंट नो वॉट ऑल यू वॉच सो कार्टून्स आर लव्ड बाय ऑल इवन आई लव कार्टून्स आज भी मुझे टॉम एंड जेरी देखना बहुत पसंद है ओके एंड ही वॉज द बेस्ट नोन फॉर हिज कार्टून्स सॉन्ग्स अपने गानों के लिए भी वो बहुत फेमस थे एंड चिल्ड्रंस बुक्स एंड ओन्सो फॉर हिज चिल्ड्रंस बुक्स और वो अपने बच्चों की बुक्स के लिए भी बहुत फेमस थे सबसे पहले वो किसके लिए फेमस थे बेटा कार्टून्स के लिए और सॉन्ग्स के लिए जो वो लिखते थे गाने वो और चिल्ड्रंस बुक्स और बच्चों की बुक्स के लिए ही वो वेरी फेमस सोचो वो कितनी अच्छी बुक्स लिखते थे कि वो उसके लिए फेमस हो गए ही स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज अंकल शेल बाय इन सम वर्क्स ठीक है कुछ जो उसके काम थे उसमें वो अपने आप को अंकल शेलबाई के नाम से प्रेजेंट करते थे ओके okay? अंकल इट मींस दिस सेम पोएट शेल्डन एलन सिल्वरस्टीन ठीक है तो वो शॉर्ट में अपने आप को जब भी प्रेजेंट करता था अपने किसी काम में तो वो क्या यूज करता था अपना नाम अंकल शेलबाई ठीक है ट्रांसलेटेड इन टू मोर देन 30 languages. Imagine वो इतना famous writer थे कि उनकी जो books थी वो 30 languages तीस भाषाओं में translate हुई थी Translate मतलब बेटा उस language में convert करना 30, It's a big number बेटा Translation की अगर हम बात करें तो देखो हिंदी English और एक या दो languages में और में हो सकता है But 30 languages में translation होना means ट वॉज द बेस्ट सेलर ओके वो उनके बेस्ट सेलर बुक्स होंगी जो थर्टी लैंग्वेजेस में ताकि पूरे वर्ल्ड में लोग उसको पढ़ पाए और इसीलिए वो बहुत फेमस होगी ठीक है एंड हैव सोल्ड मोर देन ट्वेंटी मिलियन कॉपीज ट्वेंटी मिलियन इज अग नंबर इतनी उनकी बुक्स बिक गई थी ठीक है ही वॉज दैट मच फेमस ऑल राइट सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ द पोएम विच वी वर टॉकिंग अबाउट वॉट इफ अगर ऐसा होता तो क्या होता बादल एकदम से बारिश कर देता तो क्या होता अगर मैं नाव में जा रहा हूँ और मेरी नाव डूब जाती तो क्या होता अगर मैं समुद्र में ऐसे ही खेलने जा रहा हूँ कोस्ट पे और एक बड़ा सा मगरमच्छ मुझे ले जाता तो क्या होता मैं एक पेड़ के ऊपर छुप के बैठा हूँ और नीचे क्या है स्नेक है या फिर कोई और वाइल्ड एनिमल है अगर मेरी टहनी टूट जाती तो क्या होता वो एनिमल उसको खा जाता इट्स जस्ट अ इफ ये सिर्फ एक इफ है तो देखो बच्चा कितना परेशान है इस इफ से हम इफ जब सोच रहे होते हैं तो कभी भी हम कूल cool नहीं रहते नहीं रहते ना बस टेंशन टेंशन और परेशान होते रहते हैं बिना बात के जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता बट ये जो वाटिव है ये हमको बिना बात परेशान करते रहते हैं करते हैं ना आप लोगों को भी करते हैं ना बस अगर मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज हो गई तो ये भी एक वाटिप है अगर मेरी मैम ने मुझे बाहर क्लास के बाहर जाते देख लिया तो बस दीज आर ऑल द वॉट और बहुत सारे हैं दे आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाट्स इन दिस वर्ल्ड आर देयर टाइम्स वेन योर माइंड फिल्स विद फ्यर कभी ऐसा होता है कि आपके जो दिमाग है उसमें डर बैठ जाए कभी ऐसा होता है बिल्कुल होता है तभी तो ये वॉट आते हैं भाई हैव यू एवर थॉट कभी भी आपने सोचा है वॉट इफ डेंजरस हैपन्स टू मी और द पीपल अराउंड मी कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है क्या बेटा क्या होगा अगर कुछ भयानक मेरे साथ या मेरे आसपास वाले लोगों के साथ घटना घट गट जाए तो कभी भी आपने ऐसा फील किया है या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया है कि ऑल ऑफ अ सडन यू आर सिटिंग इन योर हाउस और आपकी क्या हुआ घर हिलने लग गया और क्या है भूकंप आ गया और घर गिर गया इस तरह की आपको डरावनी चीजें या डरावने सपने आते हैं यही बात हो रही है ठीक है वॉट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन क्या होगा अगर जो हमारी दुनिया है हमारी पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना बंद कर दे घूमना बंद कर दे तो क्या होगा दिन रात नहीं होंगे या फिर हम ये सोचते हैं क्या होगा अगर सूरज ही ना होगे तो वॉट व्ट इफ द सन विल नॉट राइज एंड वॉट इफ द सन विल नॉट सेट वॉट इफ अ मॉन्स्टर स्टार्ट चेजिंग मी मेरे पीछे कोई भयानक राक्षस आ जाए इस तरह के व्हाट इफ्स आपके दिमाग में आते हैं कोई राक्षस नहीं होता है ओके दिस इज अ मेयर इमेजिनेशन नथिंग एल्स ठीक है ना व्हाट इफ द सन डज नॉट राइज़ इन द मॉर्निंग और क्या हो अगर जो हमारा सूरज है वो सुबह उगे ही ना तो आप इमेजिन करो क्या होगा ठीक है तो इस तरह के डरावने या परेशान करने वाली आपके दिमाग में बातें आती ही आती हैं वो किसी भी तरह की हो सकती है बेटा दीज आर मेयर एग्जाम्पल्स ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं आपको बताने के लिए कि किस तरह की डरावनी बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं कि ऐसा होता तो क्या होता ठीक है ओके हियर इज अ पोयम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच वॉट इव अब हमारे सामने ये पोएम है इसको हम पढ़ेंगे जिसमें कुछ और इफ्स है सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पोयम विच इज हैविंग सम मोर इफ्स ठीक है कुछ और इफ्स है वो हम पढ़ने वाले हैं बिफोर स्टार्टिंग दैट जस्ट लुक एट दिस गर्ल इसने ऐसे कर रखा है ना ये, ये क्या है ये आपका भय है डर है फियर है नथिंग एल्स है ना आप किसी चीज से परेशान हो जाते हो डर जाते हो आप क्या करते हो ऐसे करते हो ना बस यही है तो ये इफ की वजह से हो रहा है अरे रे ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसे आप सोचते रहते हो ना जबकि होना जाना कुछ भी नहीं है सब जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा लेकिन आप फिर भी डरते हो इसकी ये आपकी पिक्चर आपकी बन जाती है आपकी भी बनती है ऐसी ठीक है मैं डरती हूँ मेरी भी बनेगी लेट्स सी वर्ड्स फर्स्ट खराव आई टोल्ड यू क्रॉल मीन टू मूव स्लोली विद योर बॉडी ऑन और क्लोज टू द ग्राउंड और ऑन योर हैंड्स एंड नीज अपने हाथों और घुटनों के बल ठीक है आप जमीन पे जब आप रेंग के चलते हो जैसे छोटे बेबीज जब चलना स्टार्ट करते हैं तो वो अपने पैरों पे नहीं खड़े होते है ना बहुत रेयर ऐसा होता है जो डायरेक्ट चलना स्टार्ट करते हैं बट मोस्ट ऑफ द बेबीज़ दे फर्स्ट स्टार्ट क्रॉलिंग वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ज़मीन के ऊपर बेड के ऊपर क्रॉल करके ठीक है अपने हाथ और पैर दोनों को यूज करते हैं सो दैट इज वॉट क्रॉलिंग इज ठीक है ना समझ जाओ प्रांस वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रांस टू मूव अबाउट विद क्विक हाई स्टेप्स ऑफन यू फील प्राउड और प्लीज विद योर सेल्फ घमंड में ऐसे स्टाइल में ऐसे चलना चाहिए तो स्वैग में चलते हो ना आप ऐसे मतलब आज तो मैंने ना फर्स्ट प्राइज जीता है क्लास में आप ऐसे ऐसे करके चलते हो स्टाइल में वो होता है प्रांस्ड ठीक है बिल्कुल चौड़े वाले कंधे और बिल्कुल ऐसे स्टाइल से आप चलते हो उसको बोलते हैं से रू करके दैट इज प्रांस्ड ओके नाउ वील स्टार्ट विद द पोम लास्ट नाइट वाइल आई लेव थिंकिंग हियर कल रात को जब मैं सोचते हुए लेटा हुआ था ले मीन्स लेटा हुआ था ठीक है थिंकिंग सोचते हुए पिछली रात को जब मैं सोचते सोचते लेटा हुआ था या लेटे लेटे कुछ सोच रहा था some crawled inside my ear. कुछ इफ्स थे जो मेरे दिमाग में रेंग रेंग के आ गए ठीक है मेरे दिमाग मेरे ईयर में घुस गए कुछ इफ्स तो ये इमेजिनेशन ही है कि आप बेड पे लेटे हुए हो और आपके पिलो के ऊपर से कुछ वॉटिवस है जो इमेजिनरी कोई क्रीचर है और वो रेंग रेंग के आपके कान में घुस रहा है सोते टाइम एंड प्रांस एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग और उन्होंने क्या किया बिल्कुल ऐसे स्वैग में आए और कान के अंदर घुस गए और पूरी रात धमा चौकड़ी मस्ती पार्टी गाना बजाना ये सब मेरे कान के अंदर करने लग गए पूरी रात ये कार्यक्रम चला उनका ओके दे वर ऑल प्रांसिंग एंड डांसिंग इनटू हिज ईयर थ्रू आउट द नाइट एंड सैंग देअर सेम ओल्ड वॉट इफ सॉन्ग और हमेशा की तरह जो वो गाते थे अपना पुराना वॉट इफ वाला गाना वो गाने लग गए ठीक है तो पिछली रात को क्या हुआ जैसे ही वो बिस्तर पे सोने गया और वो कुछ सोच रहा था उसी समय इफ स्क्रॉल करके उसके ईयर में एंटर हो गए और पूरी रात पार्टी वाटी करने लग गए या फिर इसका मतलब है कि वो वॉटिव वाली जो उसकी कैसेट है वो चालू हो गई वापस वो वापस वो बातें चालू हो गई ऐसा हो तो क्या हो ऐसा हो तो क्या हो dumb. Dumb का मतलब होता है नॉट एबल टू स्पीक आपको क्लास में जब मैम डांट लगाती हैं तो क्या कहती हैं डोंट स्टैंड डम स्पीक आंसर बोलो बोलती है ना कि ऐसे गूंगे की तरह मत खड़े रहो आंसर दो क्वेश्चन का जवाब दो ऐसे बोलती हैं ना मैम तो डम मीन्स समथिंग हु इज नॉट एबल टू स्पीक या कोई बोल ना सके उसको डम बोलते हैं गूंगा नाव इफ स्टार्ट हो गए कौन कौन से इफ्स आ रहे हैं चलो हम देख लेते हैं और आप बताना मेरे को कि आपको भी कोई इनमें से इफ्स आपके भी एग्जैक्ट सेम टू सेम आते हैं क्या इफ दिमाग में ठीक है वॉट इफ आई एम डम इन स्कूल क्या होता अगर मैं स्कूल में डम होता डम का मतलब एक तो गुंगा होता है और एक वो जो बिल्कुल किसी भी चीज में पार्टिसिपेट ना करे बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहे इन्वॉल्व ही ना हो किसी भी चीज़ में एक्टिविटी में एनी कोई आंसर नहीं देना क्लास में चुपचाप बैठे रहना कहीं भी कुछ हंसना गाना बोलना नथिंग ओके दैट इज डम व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल कैसा होता अगर मैं स्कूल में डम होता तो व्हाट इफ They have क्लोज द स्विमिंग पूल क्या होता अगर स्विमिंग पूल बंद हो जाता या वो पहुंचने में लेट हो जाता और तब तक स्विमिंग पूल बंद हो जाता है ना तो ये उसके भय हैं क्योंकि उसको स्विमिंग करना पसंद था तो वो सोच रहा है कि क्या होता अगर स्विमिंग पूल बंद हो जाता इफ द स्विंग स्विमिंग पूल वॉज क्लोज तो क्या होता नेक्स्ट वॉट इफ इज वॉट इफ आई गेट बीटा क्या होता अगर मेरी जोरदार वाली धुनाई हो जाती धमा धम धमा धम तो क्या होता ठीक है दिस इज ऑल्सो फियर ये भी एक भय है उसका डर है इफ इन कप अब देखो ये जो आप सारी कार्टून वाली स्टोरीज या जो देखते रहते हो ना उसमें इस तरह की चीजें आती हैं कि उसने उसको जहर पिला दिया उसने उसको ये पिला दिया है ना क्या होता है यही चीज आपके दिमाग में रात को घूमती है क्या होता अगर मेरे कप में पॉइजन होता या जहर होता ये सोच रहा है बच्चा वट इफ होता अगर मेरे कप में जहर होता तो नेक्स्ट टू क्राई क्या होता अगर मैं रोना शुरू कर देता तो अचानक से आप कहीं पे रोना स्टार्ट कर देते हो तो क्या होगा बहुत सारे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे तो ये भी आपका एक भय है वट इफ आई गेट सिक एंड डाय अरे बाबा बीमार तो सभी होते हैं पर इतना बुरा वॉट इफ ये कह रहा है क्या होता अगर मैं बीमार होता और मर ही जाता तो कितना एक्सट्रीम लेवल का फियर है इसका है ना हम सोच सकते हैं ये कह रहा है वॉट इफ आई गेट सिक एंड डाय क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ू और मर जाऊं चलो लेट्स टेक द मीनिंग्स नाउ फ्लंक फ्लंक का मतलब होता है बेटा फेल ठीक है फ्लंक द टेस्ट मीन्स आपने टेस्ट फेल कर दिया समथिंग लाइक दैट सो फ्लंक मीन्स फेल टू रीच द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इन एन एग्जामिनेशन टेस्ट और कोर्स ऑफ स्टडी ठीक है फ्लंक का मतलब आप सिर्फ फेल समझ लो कोई भी एग्जाम में या कोर्स में आप फेल होते हो उसको, उसको बोलते हैं फ्लंक ऑल राइट नेक्स्ट इज बोल्ट ऑफ लाइटनिंग

बादल की गड़गड़ाहट गर या गर्जना के साथ जो बिजली दुण 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 ऐसे करके आती है ना आवाज और फिर हमें लाइट का फ्लैश दिखता है एकदम से दैट इज बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स स्ट्राइक्स मींस किसी को हिट करना या ऐसे मारना दैट इज स्ट्राइक्स वॉट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट नाउ ही इज अगें ऑफ दिस थिंग अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया तो आपके भी दिमाग में आता ही होगा ना जब आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके जाते हो आपका कोई भी टेस्ट तो आपके दिमाग में ये तो इफ आता ही है ना अगर मैं फेल हो गया तो अगर दैट टेस्ट तो, so क्या होता अगर मेरा मार्क्स कम आते या मैं फेल हो जाता टेस्ट में तो वॉट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट क्या होता अगर मेरे चेस्ट पे हरे रंग के बाल आने लग जाते तो ये वो इमेजिन कर रहा है डर रहा है अगर ऐसा हो गया तो वॉट इफ नोबडी लाइक्स मी अगर मुझे कोई पसंद ना करे तो क्या होगा अगर कोई मुझे पसंद ना करे तो कोई भी ओके नोबडी मीन्स कोई भी मुझे पसंद ना करे तो वॉट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी क्या होगा अगर मेरे ऊपर बिजली गिर जाए तो है ना थंडर बोल्ट जो है वो अगर मेरे ऊपर गिर जाए तो या मुझे हिट करे तो इस तरह के उसके फियर्स आ रहे हैं माइंड में ही इज हैविंग सो मेनी वॉट इफ्स ऑफ फियर वॉट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर क्या होगा अगर मैं लंबा ना हूं जितना हूं उतना ही रह जाऊं लाइफ लॉन्ग तो क्या होगा मेरे साथ वाले तो सारे लंबे हो जाएंगे और मैं छोटा सा ही रह जाऊंगा तो क्या होगा वॉट इफ माई हेड स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर और क्या होगा अगर मेरा जो हैड है सिर है वो छोटा 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 और श्रिंक होने लग जाए तो मेरा हेड ये इमेजिनेशन है ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा बट दिस इज सिंपली अ वॉट इफ अर इन द चाइल्ड माइंड ठीक है वॉट इफ द फिश वॉन्ट बाइट क्या होगा अगर जो फिश है वो बाइट ना करे तो है ना अगर जो फिश है वो आपको काटे ना तो क्या होगा नेक्स्ट अप माइ काइट आप लोग काइट उड़ाते हो ना जब मकर संक्रांति आती है तो आप लोग पतंग उड़ाते हो ना तो आप लोग क्या सोचते हो अगर यार मेरी पतंग फट गई तो और उस पेड़ में मेरी पतंग फंस गई तो वो तो फटेगी फटेगी सोचते हो ना अरे उसने मेरी पतंग काट दी तो है ना इस तरह के वॉट इफ्स आते हैं ना अगर जो अगर हम बात कर रहे हैं अगर मगर वाले सो वॉट इफ द विंड अप माय काइट नाउ दिस चाइल्ड इज थिंकिंग क्या होता अगर जो हवा है वो बहुत तेज बहे और मेरी पतंग को फाड़ दे तो व्हाट इफ दे स्टार्ट अ वॉर और क्या होगा अगर वो लोग कोई वॉर स्टार्ट कर दें तो अचानक से क्या कोई युद्ध स्टार्ट हो जाए जैसे इंडिया या कोई और कंट्री का कोई युद्ध स्टार्ट हो जाए अचानक से तो है ना ये आपके क्या हैं फियर्स हैं डर हैं भय हैं वॉट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स अब दिस इज ऑल रबेश ये सब आपके क्या टीवी में जो देखते हो ना प्रोग्राम्स कि उसके मम्मी पापा ने डाइवोर्स ले लिया और ये वो तो इस तरह के नेगेटिव आपके भी दिमाग में व्हाट इफ्स आते हैं कि अगर मेरे मम्मी पापा भी डावोर्स लेके अलग अलग रहने लग गए तो क्या होगा देखो ये भी आपका भय ही है है ना बिकॉज नो चाइल्ड वॉन्स हिज पेरेंट्स टू बी सेपरेटेड आप यही चाहते हो कि हमेशा आप लोग साथ रहो है ना तो आपके दिमाग में ये क्या ये जो क्वेश्चन आया ये, ये किस वजह से आया बेटा डर की वजह से बिकॉज यू डोंट वॉन्ट योर पेरेंट्स टू गेट सेपरेटेड है ना तो वो डर रहा है और कह रहा है क्या होगा अगर मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया तो वो अलग अलग हो गए तो वॉट इफ द बस इज लेट और क्या होगा अगर बस आने में लेट हो गई तो ठीक है ये फियर्स हैं उसके वॉट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट वो कह रहा है क्या होगा अगर मेरे दांत सीधे सीधे ना उग के उल्टे पुलटे उग जाए तो टेढ़े मेढ़े इधर उधर ऐसे मेरे दांत उग जाए तो सीधे ना उग के है ना इसका भी उसको डर लग रहा है वॉट इफ आई टी और माई वो सोचना है कि अगर वो कोई पब्लिक प्लेस में है या क्लास में है तो अगर वो बेंड हुआ नीचे और पीछे से उसकी पैंट फट गई तो क्या क्या होगा बहुत एम्बेरिंग होगी ना सिचुएशन क्या होता है आपके साथ लेकिन बेटा आपको एक बात बताऊं बिल्कुल आपको बिंदास रहना चाहिए किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती हो सकती है ना क्या हो गया पैंट फट गई तो किसी की भी फट सकती है ना पैंट कपड़े कुछ भी हो सकता है बट यू शुड बी हैप्पी है ना परेशान नहीं होना हर चीज का सोल्यूशन होता है ना तो फिर ठीक है सो ही इज वरिड एंड ही इज हैविंग अ वॉट इफ दैट वॉट इफ आई टीयर माई पैंट आप इसी वजह से डरते हो कि आपके साथ वाले कहेंगे हा 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 उसकी पैंट फट गई देखो उसकी पैंट फट गई बट दिस शुड नॉट बी अ फियर ठीक है ना गुड वॉट इफ आई नेवर लर्न टू डांस क्या होगा अगर मैं कभी भी डांस करना ही नहीं सीख पाऊंगा तो कभी मैं डांस ही नहीं कर पाऊंगा तो एवरी थिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट टाइम वॉट इफ स्ट्राइक्स अगेन अब उसको हर चीज कैसी लग रही है स्वलन स्वोलन मीन्स सूजी हुई फूली हुई सी लग रही है उसको ठीक है और कह रहा है और अब फिर दूसरी रात आने वाली है और सेम इफ वाला जो सीरियल है या एपिसोड है वो वापस मेरे कानों में पूरी रात स्टार्ट होने वाला है और गूंजने वाला है सो ऑल ऑफ यू डिड यू अंडरस्टैंड दिस पोम बिकॉज वी आर डन विद दिस पोम एंड वी हैव कंप्लीटेड इट आप सबको समझ में आया ये इफ का क्या नाटक था किंतु परंतु ऐसा होता तो क्या होता ऐसा नहीं होता तो क्या होता इस तरह की हमने अभी बातें पढ़ी ना जिसकी वजह से जो पोएट्स हैं वो काफ़ी पजल्ड है परेशान है उसको इन चीज़ों का काफ़ी डर है है कि नहीं आया समझ में मज़ा आया या नहीं आया कुछ इसमें आप रिलेट कर पाए कोई बातें ऐसी थी जो आपको भी आती हों दिमाग में कि ऐसा हो तो क्या हो है कि नहीं ओके सो नाउ वी आर डन विद पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस पोएम व्हाट इफ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास Until then, every one of you, take care, keep smiling, have a great day. Without.